नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। श्रावण मास महात्म्य के 26वें दिन में हम 26वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले प्रथम 25 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब हम देखें श्रावण मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है, जिसे 30 अध्याय में बांटा गया है। श्रावण मास महात्म्य के 26वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आइए देखें भगवान शिव के वाहन नंदी, जिनको भगवान शिव से भी पहले पूजा जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए यूज किए जाने वाले मंत्र। तो मैं आपको नंदी मंत्र यहाँ पर बता रही हूँ, तो आइए देखें नंदी मंत्र। ओम महाकालियम महावीरियम शिववाहनम उत्तमम गण नाम त्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। इस मंत्र से भगवान नंदी प्रसन्न होते हैं और उनके कान में कही गई हर मनोकामना को वो भगवान शिव तक पहुँचा देते हैं। आइए एक और नंदी मंत्र देखें, नंदी गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदिकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभरु प्रचोदयात। इस चमत्कारी मंत्र के पाठ करने के लिए भक्त सुबह सूर्योदय से पहले जगकर भगवान नंदी जी का ध्यान करते हैं। उसके बाद पवित्र स्नान के साथ तन और मन में मंत्र उच्चारण के साथ मन की शुद्धि की जाती है। इसके बाद इस पाठ को आरंभ किया जाता है। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य का 26वां अध्याय। इसके पहले 25वें अध्याय में हमने श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरा व्रत का वर्णन देखा था। अब हम देखने वाले हैं 26वें अध्याय में श्रावण अमावस्या पर वृषभ पूजन और कुश ग्रहण। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट अंधकासुर का संहार नहीं किया, तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। तत्पश्चात उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है, आप मुझ पर प्रसन्न होए तो फिर इससे बढ़कर और क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रवण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस स्थिति में मैं गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः आप तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गैरिक आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सिंगों पर सोना, चांदी आदि के पित्तर मड़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सिंग पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्रों से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों और तिल की खली आदि और अनेक प्रकार का अन्न इस दिन उन्हें अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान है। पंचामृत तथा पंचग्रव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोमय यानी गोबर के लेपन किए बिना
घर पवित्र नहीं होता। पहले कच्चे घर होते थे तो उनको लीपने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता था, और जब तक गोबर से घर नहीं लिपा जाता था तब तक घर को स्वच्छ और पवित्र नहीं माना जाता था। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे इन वरों को तथा अन्य वरों को मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब हो। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होता और तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ जो वृषभ शांतिपूर्वक विचरण करता है और उस महान वीर तथा बलवान होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम से जाना जाएगा। उस दिन अपने इष्ट बंधु जन के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूरा करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। सावन मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, सकुदक, गोधूम यानी गेहूं, व्रीही, मांझी यानी मूंज और वल्लज या 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करते हुए अनंतर ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुशा को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए न हों तथा शुष्क न हों, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के लिए योग्य कहे गए हैं तथा जड़ रहित कुश देव कार्य तथा जप आदि के प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाला कुश देव कार्य और पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होता है। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा प्रादेश यानी 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथियुक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा आग्नोकरण करने के अनंतर पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पद पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पुत्र कर्म यह सब दर्भ के अधीन है। उस सब प्रकार के दर्भों को उखाड़ना श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाए। हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होते हैं वह मैंने कह दिए। श्रावण मास में और जो भी करनी है उसे मैं आपसे कहता हूँ। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः।